अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात को लेकर अब लोग जागरूक होने लगे हैं, जिसके चलते आज लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है। लोगों में जागरूकता के बाद बेटियों के जन्म पर कुआ पूजन जैसी परंपराओं को निभाने के बाद अब दुकान व्यवसाय का शुभारंभ यहाँ नेताओं से नहीं बेटियों से करवाया जाने लगा है। प्रदेश का लिंगानुपात 100% करने की ओर, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब बेरोजगारी से ऊपर उठकर कुछ करने की क्षमता रखते हैं। इन युवकों ने स्टील स्क्रैप्स की दुकान खोलकर अपना रोजगार तो तलाश ही लिया है, लेकिन प्रदेश में फैले इन कुप्रथा को भी मात देने की पहल दुकान का फीता बेटियों से कटवा कर दिया, जो समाज व प्रदेश के लिए अच्छा प्रयास है। गांव डालियावास की सरपंच ने बताया कि इन युवकों ने जो कदम उठाया है वह काबिले तारीफ है। इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और रोजगार के साथ ही लिंगानुपात में भी सुधार होगा, प्रदेश शिखर की बुलंदियों की ओर अग्रसर होगा। मैं ग्राम पंचायत डालियावासी सरपंच, आज मेरे बेटे के ऑफिस की ओपनिंग हुई है। मेरा बेटा अंकित और मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड अतुल, दोनों ने स्क्रैप का बिजनेस किया है। उसकी ओपनिंग हमने अपनी बेटियों के हाथों से करवाई है, क्योंकि हम चाहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो मुहिम है हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपनी बेटियों के हाथों से उद्घाटन करवाया है। रेवाड़ी से मोहिंद्र भारती की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।